मोहम्मद अली ने अपने 22वें ओवर की चौथी गेंद जैक लीच को लेंथ पर की और जैक लीच ने बॉल को पॉइंट की तरफ खेल दिया और बिना देखे भागना शुरू कर दिया और वह पिच के दरमियान में पहुंच चुके थे। इमामुल हक ने बॉल को पकड़ा और विकेट की तरफ थ्रो की और बॉल विकेट पर लगने की बजाय बाउंड्री से बाहर चलेगी और इस तरह इंग्लैंड की टीम को 4 रन इजाफे मिल गए। इंग्लैंड ने पहले ही बहुत ज़्यादा रन का अंबार लगा दिया था और बाबर आजम इमामुल हक की इस हरकत पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाई दिए और इमामुल हक ने आगे से कहा, सिर्फ थोड़ा सा फासला रह गया था बॉल का विकेट पर लगने पर।